हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो ईयर 2017 में डीसी ने डार्क मेटल कॉमिक बुक रिलीज़ की थी और इस कॉमिक बुक सीरीज़ में डार्क मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कॉमिक सीरीज़ में हमने ये देखा था कि बैटमैन के कुछ अल्टरनेट इविल वर्जन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनमें से एक था रेड डेथ, और उसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्थ 52 में, और हम ये देखते हैं कि गॉथम सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि जितने भी बैटमैन के रॉबिन्स हैं सब किसी न किसी रैंडम मिशन पे मारे गए हैं। रॉबिन्स की डेथ के बाद बैटमैन बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा, और रॉबिन की डेथ के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा होगा। वो ये सोच रहा होगा कि अगर उसके पास स्पीड होती तो वो उन रॉबिन्स की जान बचा सकता था, और उसके पास स्पीड होती तो वो अपने माँ बाप की भी जान बचा सकता था। तो वो फ्लैश से कहेगा कि वो उसे अपनी स्पीड दे दे ताकि वो टाइम में रिवर्स जाके अपने माँ बाप को भी बचा सके और रॉबिन्स को भी बचा सके। लेकिन फ्लैश ये कहेगा कि टाइम में रिवर्स जाना, टाइम लाइन को चेंज करना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, और वो ब्रूस वेन को समझाएगा कि इस चीज़ को भूल जाओ। लेकिन बैटमैन कहें तो पूरे तरीके से कहें तो पागल हो गया होता एक तरीके से। तो फ्लैश के जो विलन्स हैं, जिनको हम रोग बोलते हैं, बैटमैन उनमें से कई विलन्स को बीट करेगा और उनके वेपन्स छीन लेगा और फ्लैश के ऊपर हमला बोल देगा। यहाँ पे हम देखेंगे फ्लैश और बैटमैन के बीच में कहें तो एक बैटल होगा। फ्लैश उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन बैटमैन के सर पे पूरे तरीके से खून सवार है, उसे स्पीड फोर्स चाहिए ही चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि बैटमैन ने एक सीरम इजाद किया होता है जिससे वो इंजेक्ट करके फ्लैश के पैरों को फ्रीज कर देता है कुछ देर के लिए। अब वो फ्लैश को उठा के अपने बैट मोबाइल पे बांध लेता है। ये कोई नॉर्मल बैट मोबाइल नहीं होती है, ये दरअसल एक एडवांस्ड बैट मोबाइल होती है जो एक कॉस्मिक ट्रेडमिल भी होती है, जिसके हेल्प से वो फ्लैश की स्पीड फोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो वो फ्लैश को उस पर बांधेगा और जब अपनी बैट मोबाइल को चलाएगा तो हम ये देखेंगे कि वो फ्लैश की स्पीड फोर्स को एक्सेस कर रहा है, और ये स्पीड फोर्स ब्रूस वेन की बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है। अब क्योंकि वो फोर्सफुली स्पीड फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि स्पीड फोर्स करप्ट हो जाती है और एक नए कैरेक्टर का जन्म होता है जिसका नाम होता है रेड डेथ, जिसके पास ब्रूस वेन की फाइटिंग स्किल्स तो होती ही होती हैं, साथ में फ्लैश की सुपर स्पीड भी होती है। वो इस सुपर स्पीड का इस्तेमाल करेगा और जितने भी उसके विलन्स होंगे जैसे स्केयर क्रो, रिडलर, इन सबको जान से मार देगा। लेकिन क्योंकि उसने फोर्सफुली स्पीड फोर्स को एक्सेस किया है, टाइम के साथ छेड़छाड़ कर दी, इसलिए हम ये देखेंगे कि गॉथम सिटी जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग रही है, और इसको रोकने के लिए हमारा रेड डेथ कुछ भी नहीं कर सकता। उसी वक्त हम देखेंगे कि उसके ब्रेन में कुछ वॉइस उसको सुनाई देंगी। ये जो वॉइस होगी ये बैटमैन हु लाफ्स की होगी, जो उसे अर्थ जीरो पे आने के लिए कहेगा। तो रेड डेथ अर्थ जीरो पर ट्रैवल करेगा, जो हमारी डीसी कॉमिक्स की मेन अर्थ है। अब यहाँ पे जो रेड डेथ होगा वो बैरी एलन के जो लव्ड वंस होते हैं, जैसे आयरिस वेस्ट हो गई या वैली वेस्ट हो गया, उनको टेरराइज करेगा। यहाँ पे जो मेन हमारा फ्लैश है उसका बैटल होगा रेड डेथ से। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, रेड डेथ के पास फ्लैश की तो पावर है ही, साथ में उसके पास ब्रूस वेन की फाइटिंग स्किल्स भी हैं। तो फ्लैश उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता है, वो उसको बुरे तरीके से पीट देता है, उसे मारने ही जा रहा होता है। लेकिन हम ये देखते हैं डॉक्टर फेट वहां पे आएगा और फ्लैश को वहां से लेके चला जाएगा बचा के उसको। रेड डेथ फ्लैश से कहेगा कि वो ज्यादा दिन तक नहीं भाग सकता है, और वो उसको जरूर पकड़ेगा और उसको मार के उसकी जो गॉथम सिटी पुरानी थी उसे दोबारा रिज्यूम और पहले जैसा करके दिखाएगा। तो रेड डेथ वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर है, और ये दिखने में बहुत ज्यादा औसम लगता है। और ये र्यूमर्स हैं कि शायद फ्लैश मूवी जो एज़रा मिलर की है उसमें रेड डेथ अपियर हो सकता है, या तो एटलीस्ट ये टीज किया जा सकता है कि रेड डेथ एग्जिस्ट करता है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। तो देखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिलता है डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से। तो गाइस, क्या आपको रेड डेथ कैरेक्टर पसंद है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।